नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय ओनील शॉ, रीजनल वेदर फोरकास्टिंग सेंटर गुवाहाटी से। और आज है 17 सितंबर 2020 और हम बात करते हैं आने वाले वेदर की, 5 दिनों में क्या वेदर रहेगा और अभी क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेदर इन्फ्लुएंस की, जो कि आज सुबह 8:30 बजे के ऑब्जर्वेशंस के आधार पर बताया गया है कि वेस्टर्न एंड ऑफ मानसून ट्रफ इज क्लोज टू फुटहिल्स ऑफ हिमालयस, द ईस्टर्न एंड नाउ पासेस थ्रू बरेली, सुल्तानपुर, पटना, मालदा एंड देंस ईस्ट नॉर्थ ईस्ट वर्ड्स टू नागालैंड अक्रॉस असम। ए ट्रफ इन वेस्टर्लीज रफली अलोंग लॉन्गिट्यूड 87 डिग्री ईस्ट टू द नॉर्थ ऑफ लैटिट्यूड 25 डिग्री नॉर्थ एंड नाउ सीन बिटवीन 3.1 एंड 4.5 किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल। ए साइक्लोनिक सर्कुलेशन लाइज ओवर सब हिमालयन वेस्ट बंगाल एंड नेबरहुड बिटवीन 5.8 एंड 7.6 किलोमीटर्स अबव मीन सी लेवल। तो इनके आधार पर हम आने वाले 5 दिनों में क्या वेदर फोरकास्ट होगा, इसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की डेवन में कि मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मोस्ट प्लेसेस, और यही स्थिति असम और मेघालय में भी रहेगी, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस। डे टू की हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस, और यही स्थिति असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी रहने की पूरी संभावना है। डे थ्री में लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट अ फ्यू प्लेसेस, और यही स्थिति हमारे तीनों सब डिविजन्स में है, यानी कि अरुणाचल प्रदेश, असम मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। और डे फोर में भी लाइट टू मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट अ फ्यू प्लेसेस, यही स्थिति अरुणाचल प्रदेश, असम मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रहने की संभावना है। और हम बात अब डे फाइव की करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में डे फाइव में मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस, लेकिन असम और मेघालय में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मोस्ट प्लेसेस। वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में एक्सपेक्ट किया जा रहा है मॉडरेट रेन थंडर शावर्स इज वेरी लाइकली टू अकर एट मेनी प्लेसेस। और अब हम बात करते हैं वेदर वार्निंग की, अरुणाचल प्रदेश में डे वन में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस, और हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। और हम बात करते हैं डे वन में असम और मेघालय की, थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस, हैवी टू वेरी हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। और रही बात नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की, तो डे वन में थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। डे टू में अरुणाचल प्रदेश में कोई वार्निंग नहीं है, वही असम और मेघालय के लिए थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस, हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस, और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस, और हैवी टू वेरी हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। थर्ड डे में अरुणाचल प्रदेश में कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन असम और मेघालय में थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस, वहीं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। मतलब कि ये स्थिति असम और मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में रहने की संभावना है। और डे फोर में अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय में कोई वार्निंग नहीं है, लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। रही बात पांचवें दिन की, तो अरुणाचल प्रदेश में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस, और असम और मेघालय और साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं थंडर स्टॉर्म विथ लाइटनिंग इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस, और साथ ही साथ हैवी टू वेरी हैवी रेन इज वेरी लाइकली टू अकर एट आइसोलेटेड प्लेसेस। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं www.imdguwahati.gov.in और https://mausam.imd.gov.in।
साथ ही साथ कुछ और जानकारी आप चाहें तो हमारे कुछ विशेष ऐप्स हैं जो कि आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं और अधिक से अधिक मौसम संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे मौसम ऐप, दामिनी ऐप और मेघदूत ऐप। धन्यवाद।